oldies, but it's my dad's. Know that he fly. Don't let me ride or die. What do you want to do? Where you want to go? दोनों को भी अपना व्लॉग बना लिया है यहाँ पे और मैं ये नहीं हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, मैं भी ठीक हूँ और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हो। सो गाइज, हैप्पी दिवाली पूरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइज, किस किस घर में क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या चल रहा है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और आप लोगों की दिवाली कैसी हुई, कैसी नहीं हुई, आप लोगों ने कैसे इन्जॉय किया, कैसे नहीं किया, मुझे ज़रूर बताना। और मैंने कैसे एंजॉय किया मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगी, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और प्लीज़ जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ 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 गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करना। सो गाइस, जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो ना, सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्यार देने के लिए और लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज, ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। और अभी मैंने कुछ क्लिप बनाई है छोटी दिवाली की, वो मैं शाम को दिखाऊंगी आप लोगों को। और मतलब शायद ये छोटी दिवाली का मुझे बड़ी दिवाली पे आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और जो बड़ी दिवाली का है वो मैं अगले दिन शेयर करूंगी। सो गाइज़, प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए पूरा व्लॉग, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बड़ी दिवाली की सारी वीडियो, जो जो भी हम करेंगे, जो जो भी मतलब इन्जॉयमेंट होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं 35, बट लाइक इतने नहीं आते हैं। सो प्लीज़ गाइज, लाइक भी कर दिया करो अगर आप लोग देखते हो मेरे चैनल को और प्यार करते हो, जब भी तो देखते हो, तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक कर दिया करिए प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिए। तो चलो, अभी फ़िलहाल मैं शाम का टाइम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ना, बता देती हूँ, दिखाती क्या हूँ। हाँ जी, 5 बज रहे हैं, मैं दीदी के घर गई थी, थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया है, वीडियो बनाई है, रील्स बनाई है। तो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है, शालिनी त्यागी। हाँ, शालिनी त्यागी 11, मतलब शालिनी TYA 11। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अपनी इंस्टाग्राम ID, तो जाके मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना और मेरे रील्स देख लेना, जिसको अच्छा लगे लाइक कर देना और शेयर कर देना। सो गाइज, मैं अभी परले घर से आ गई हूँ, बड़ी दी के घर से आ गई मैं अभी फ़िलहाल। आके हमने मैगी वैगी खाई है क्योंकि भूख लग रही थी। तो शाम को देखते हैं क्या प्रोग्राम है, क्या नहीं है। बाकी अभी तभी तक 5 बज गए हैं, तो अभी फ़िलहाल रंगोली की तैयारी करते हैं। जो भी रंगोली आती है, अच्छी बुरी जैसी भी आती है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए, देखिए और बताना कि कैसी लगी, ठीक है। तो बाकी की तैयारी भी करते हैं, चलिए आइए। सो गाइज, यहाँ पे मैंने दीवे पानी में से निकाल दिए, जो पानी में भिगो रखे थे, और अब इन्हें सुखाने के लिए मैं थोड़ी देर इनको उल्टा करके रख दूँगी, ताकि जितना भी पानी होगा सारा निचड़ जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा मतलब। और इन्हें फिर उसके बाद जब पूजा करेंगे तब ये जलाए जाएंगे, तो उसके लिए इन्हें धोने पड़ते हैं, नए वाले दीवले जो होते हैं दीवे मतलब, उन्हें भिगो के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये साफ़ कर लिए अच्छे से और धो के भिगो के रख दिए थे। अब मैंने थोड़ी सी देर ऐसे कर देती हूँ और उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तब पूजा वगैरह करेंगे, और फिर पूजा वूजा करने के बाद इन्हें लगाएंगे, कुछ दीवे घर घर जाएंगे लगने के लिए, मतलब जो घर कुंभ में होते हैं उनके, और बाकी अपने घर पर लगेंगे, कुछ मंदिर में, रसोई में, दरवाजों पर, इस तरीके से। तो अब ये हो जाएगा, और आगे गीला हो गया था सारे में, इसीलिए मैं बोल रही थी ये क्या हो गया।
know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your body sell off like the peace and gloves. Now you gotta do a run up. सो गाइज़, मेरी रंगोली बन गई है और कलरफुल रंग, और मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बनाई है, शुभ लाभ लिख के और सतिया बना दिया, दीवले लगेंगे 5। और यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही है पूजा की, तो मिठाई वगैरह निकाल रही है एक ही प्लेट में और पूजा की तैयारी कर रही है ताकि पूजा हम करके जल्दी से और फ्री हो जाएँ। तो हस्बैंड गए हैं ऑफिस, पतिदेव ऑफिस से आ जाएंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू कर देंगे, तो वो अभी तक आए नहीं है। तब तक यहाँ पर मिठाई वगैरह रख के तैयारियाँ हो रही हैं पूजा करने की। मैंने यहाँ पे तो बना लिया रंगोली, अब बाहर की साइड में बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक अंश अपने यहाँ पर उसमें लगा हुआ था बम्बों में, और मम्मी लगी हुई थी अपनी मिठाइयों में। मुझे मिठाई इतनी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ काजू कतली पसंद है, और वो जब भी डब्बा आता है तो मैं अपना उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके अलावा और कुछ भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये बीच वाले भैया लेके आए थे 2 डब्बे, और बड़े भैया काजू कतरी लेके आए थे, क्योंकि पता है सबको कि काजू कतरी सभी खा लेते हैं। और पति देव लेके आए थे 2 तरीके की मिठाई, काजू कतरी और ये, तो हमने दोनों ही पूजा में लगा ली थी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गया, अब ये रंगोली वो कलर उठा के अब बाहर चलते हैं, और बाहर जाने के बाद बाहर की भी रंगोली बनाते हैं। ये इतने मोटे मोटे फोड़ेगा, संभल के हमारे साथ ही रहिए। हम नीचे फोड़ोगे चौराहे पे दोस्तों के साथ, चौराहे के साथ में। अच्छा हाँ, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your body sell off like the peace and gloves. Now you got a deal right now. Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move. सो गाइज, ये थी मेरी बाहर की रंगोली, और ये दीवले रखने के लिए शालू आई है। मेरा नाम भी शालू है और इसका नाम भी शालू है, सेम नाम। तो ये कुनबे में ही है, घर के बराबर में रहते हैं, तो ये दीवले रखने के लिए आए थे, ऐसे ही दीवले रखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। ये मेरे पति देव, वो मम्मी हैं, और पीछे निखिल बैठा है, साथ में ईशु और अंश बैठा है, फ़ोन अनु ने पकड़ रखा है, और यहाँ पे मैं। सो गाइज, मेरी रंगोली आप लोगों ने दूसरे वाली देख ली है, तो इन दोनों में से कौन सी रंगोली आप लोगों को अच्छी लगी मुझे बताना ज़रूर कि कौन सी अच्छी लगी है, दोनों अच्छी लगी हैं, एक ही अच्छी लगी है कोई सी। वैसे पर्सनली मुझे बाहर वाली ज़्यादा बेटर लगी थी। और यहाँ पे मैंने गाउन पहना था पूजा के टाइम पे, दिन में मैंने साड़ी पहनी थी, रात को मैंने गाउन पहना था पूजा के टाइम पे। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया था, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती।
तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं और जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। मैं आरती नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि आरती हम फ़ोन में करेंगे, तो पूजा कर लेते हैं और फिर आप लोगों को मैं डायरेक्टली मिलती हूँ पूजा करने के बाद ना। यहाँ पे पूजा हो गई हमारी कंप्लीट और आरती ली जा रही है, आप लोग भी ले लीजिए। और यहाँ पे पूजा होने के बाद अब लगाई जाएगी मोमबत्तियाँ ऊपर। और हमने खाने पीने का ये प्रोग्राम था कि हमने सारे घर परिवार में सभी के मतलब तीनों घरों में हमने बाहर से खाना मंगाया था, घर में खाना नहीं बनाया था क्योंकि दिवाली पे हमारा जाता है तो बाहर से ही आता है। मम्मी का खाना बनाना था क्योंकि मम्मी बाहर का नहीं खाती है, मम्मी को सूट नहीं करता, मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मम्मी का खाना मैं घर पर ही बनाऊँगी और बाकी घर वालों का बाहर से आएगा, तो बाहर से मंगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम दीवले लगाएंगे अपने अच्छे से। ये जितने भी दीवले आप परात में देख रहे हो ना, मैं इनको लगाऊंगी और इनको लगाने के बाद कुछ रसोई और कमरों में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर उधर रखे जाएंगे, और उसके बाद तो बाहर भी जैसे शालू रखने के लिए आई थी ऐसे ही हमारे यहाँ से भी रखे जाएंगे। और फिर उसके बाद बाकी अपना जो जिनों पे रखवाएंगे ऊपर मोमबत्ती लगवाएंगे हम, बाकी जिने पे रखे जाएंगे। और ये मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, पीछे हस्बैंड जी खड़े हैं, ईशू खड़ा है। सो गाइस प्लीज़ आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने दिवाली कैसे बनाई। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, दो तीन दिवाली के जाने के बाद, मेरे दो तीन दिन बाद ये व्लॉग आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि व्लॉग बनाने का, वॉइस एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, पता नहीं बस काम में सारा दिन ऐसे चला जाता है। फिर अब फ्री हो चुके हैं बिल्कुल ही, भैया दूज वगैरह सब हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पे हम मोमबत्ती वगैरह लगाने के लिए आ गए। यहाँ पे पतिदेव मोमबत्ती लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं, और तुरंत ही हवा की वजह से बंद हो रही थी, इनकी मेहनत एक भी रंग नहीं लाई, तो बार बार पूछ रही थी। और ये देखो सबका कितना सुंदर, कितनी सुंदर लग रहा है ना, रंगीन लाइटें, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर लग रहा था, कितनी चमक रहती है ना दिवाली पे। तो गाइस यहाँ पे मोमबत्ती लग गई है, कंप्लीट हो चुकी है, और मैं यहाँ पे मम्मी के लिए खाना बना रही हूँ। हमारा खाना आ चुका है तो मम्मी का यहाँ पे बना रही हूँ। प्लीज़ जिस चीज़ को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरी रंगोली कैसी लगी, ठीक है। बाकी अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, और मेरे व्लॉग लेट आए हैं उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। सो अगले व्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में रेडी रहो और एंजॉय करो ये व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय माता दी।